हेलो, मेरा नाम मोहम्मद समी है। मैं यहाँ पर यूक्रेन में स्टूडेंट हूँ। फोर्थ कोर्स में मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ यहाँ से। मैं हैदराबाद से हूँ। मैं हैदराबाद में नामपल्ली में रहता हूँ। मेरा नाम गुलाम अहमद मुहिद्दीन सलमान है। मैं उसगुरड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। मैं 5th कोर्स में हूँ। मैं बहादुरपुर में रहता हूँ। मैं हम लोगों की फ्लाइट थी 24th को कीफ बोरिसपोल से। हम लोग का कीफ कीफ के स्टूडेंट्स नहीं, हम लोग उसगुरुड नेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। हम लोग ट्रैवल कर रहे थे यहाँ पर। 1 बजे की फ़्लाइट थी हम लोगों की कीव से। एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, जो इवैक्यूएशन फ़्लाइट्स बोल के जो पहले ये इंडियन एम्बेसी वाले अरेंज कर रहे थे, वो फ़्लाइट थी हमारी एयरपोर्ट से। जब हम लोग 3 बजे रात को कुछ हम लोग 24th के दिन 3 बजे रात को एयरपोर्ट पहुँचे हम लोग। जब एयरपोर्ट पहुँचे बाद 5 बजे हमारे को बोले कि एयरपोर्ट इवैक्यूएट करो। जैसा हम लोग एयरपोर्ट के बाहर निकले, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिए, पूरा एयरपोर्ट 5 बजे के टाइम पूरा एयरपोर्ट खाली कर दिए थे। पूरे एयरपोर्ट के बाहर है जब हम लोग को बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि ऐसा ही कुछ अफवाह ऐसा बोल रहे थे कि वो रशियन के फोर्सेस लैंड होने वाले हैं एयरपोर्ट पे। उसके बाद 5 मिनट के अंदर हम लोग को धमाके के आवाज़ सुने, ब्लास्ट के। हम लोग वहाँ से बैग्स लेके करके, जितना भी हमारा बैग्स हुए थे, पूरे लोग भागे वहाँ से, एयरपोर्ट से भागे। करीब 2 से 3 किलोमीटर तक हम लोग एयरपोर्ट से भागे। फिर वहाँ पर हमारे को एक बस मिल गई। वो बस हमें यहाँ पर, हमें क्या है कि मालूम नहीं है हमारे को यहाँ पर कहाँ है, एक सिटी में कहाँ पर बीच में लेके आके छोड़ दी थी बस। फिर हम लोग दोनों कैसा भी करके बीच में लेके आके छोड़ दी थी बस। फिर हम लोग दोनों कैसा भी करके यहाँ कीव कीव में एक हॉस्टल है, इंडियन कीफ स्टूडेंट्स मेडिकल का यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है यहाँ हॉस्टल है, पे। वहाँ पर आके हम दोनों यहाँ पर ही रह रहे। और यहाँ पर बमों के आवाज आ रहे हैं रातों में, बंकर्स में हम लोगों को नीचे लेके चले आ रहे हैं। 5 बजे जैसा हो रहा है यहाँ पर, रेड रेड अलर्ट हो जाता। और हम लोग को रातों में 3 बजे 3:30 बजे बम की आवाज आते धमाकों के। बंकर बोल रहे हैं ये लोग, ये पूरा भी बंकर नहीं है, ये सिर्फ हॉस्टल का जिम एरिया है। नीचे सेलर एरिया है, जिम है, सेलर जिम है, तो उसको ये लोग बंकर के वैसा बनाए। बंकर नहीं होता, लेकिन ये ऐसा हम लोग यहाँ पे करीब, हम जब एयरपोर्ट से हम लोग को लाके छोड़े, बस में से जो उतरे वो बाद में यहाँ पे आके हम लोग देखे तो हम लोग सिर्फ एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, और एम्बेसी हमारे को यहाँ से 20 किलोमीटर्स की दूरी पे है। एम्बेसी वाले तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हमारे को। अब जैसा ये इवैक्यूएशन का जो शुरू हुआ अभी, जो 4-5 कंट्रीज जो इवैक्यूएशन जो 4-5 कंट्री के एम्बेसी कर रहे हैं, वो इवैक्यूएशन सिर्फ वो बॉर्डर सिटीज़ का हो रहा। बॉर्डर सिटीज़ में भी पूरे सिटीज़ का अभी नहीं हुआ कीव इवैक्यूएशन। के बच्चों को अभी तक कोई भी इवैक्यूएट करे ही नहीं। यहाँ का कोई बच्चा दूसरी जगह गया नहीं, वो खुद बोल रहे कि वहाँ से चले जाओ, बॉर्डर के पास आ जाओ, हम ना बॉर्डर से देख लेते। मगर यहाँ पे क्या, हमारे को ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ भी है नहीं। यहाँ पर टैक्सी बुक नहीं हो रही, और हमारे पास हमारी खुद की गाड़ी नहीं है। हम लोग ये सिटी के भी नहीं है, हम लोग है उस रोड के सिटी के। ट्रांसपोर्ट भी ये लोग ऐसा ऐसे बाहर ऐसा लड़ाई के उसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट, हम लोगों की ट्रांसपोर्ट कैसा लेके जाना। ट्रांसपोर्ट तो मिल रही नहीं, ये लोग बोल रहे खुद की ट्रांसपोर्ट।